नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीओ की मनमानी देखने को मिली। दरअसल बताया जा रहा है कि डुमरा जिले के जो सीओ है वो मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और एक पीड़ित परिवार की बातों को नहीं सुन रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि राहत आपदा कोष के तहत मिलने वाले मुआवजे यानी कि 4 लाख रुपए का चेक मोहम्मद जमा खान ने एक पीड़ित परिवार को कुछ दिनों पहले दिया था। वो पीड़ित परिवार जब चेक लेकर के बैंक जाता है तो बैंक में उनका चेक बाउंस हो जाता है, जिसके बाद इसकी शिकायत लेकर के डुमरा के सीओ के पास पहुंचते हैं तो सीओ साहब कहते हैं कि वो इस पर क्या ही कर सकते हैं, आगे अधिकारी से जाकर के बातें करें। बता दें कि यह चेक जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान ने दिया था। पीड़ित परिवार जब चेक लेकर के बैंक गया तो पता चला कि चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत डुमरा के अचल अधिकारी से की, लेकिन अचल अधिकारी द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। पीड़ित परिवार जब सीओ से बात करने गया तो उसने इस मामले में अपना मुंह फेर लिया। सीओ ने कहा कि चेक बाउंस हो गया है तो मैं क्या करूं। ऐसे में परिजनों ने कहा कि आप चेक क्यों दिए जब राशि नहीं देनी थी, जिसके बाद सीओ के द्वारा बोला गया कि जाओ, जिसके पास जाना है जाओ। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने डीएम के पास सीओ से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन कर्मियों ने कोरोना का हवाला देते हुए डीएम से नहीं मिलने दिया। कर्मियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण डीएम साहब किसी से नहीं मिल रहे। बता दें कि जिले के डुमरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परोड़ी पुल के नीचे छठ की घाट बनाने के दौरान 2 बच्चों की डूब करके मौत हो गई थी। काफी खोजबीन करने के बाद अगले दिन पुलिस ने शव को बरामद किया था। वहीं सीतामढ़ी जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के तहत पीड़ित परिवार को 4 लाख का चेक प्रदान किया गया। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।